चोरों ने दो मंदिरों से उड़ाए 17-18 पीतल के घंटे। बाड़ी में पिपरैया वाले हनुमान व शिव मंदिर में हुई है चोरी। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में धौलपुर रोड स्थित बिजली घर के पास पिपरैया वाले हनुमान मंदिर पर रात्रि को चोरी की घटना हुई है। चोरों ने आस्था के केंद्र संकट मोचन हनुमान मंदिर और पास में बने शिव मंदिर को भी नहीं छोड़ा है। चोरों द्वारा मंदिर में लगे पीतल के 1.5 दर्जन घंटों को चोरी किया गया है, जिनमें कई घंटे 11 किलो बजने के बताए जा रहे हैं। ऐसे में चोरी की घटना के बाद भक्तों में आक्रोश है। महंत सहित बजरंग दल के पदाधिकारियों ने पुलिस एवं प्रशासन से मामले में चोरी की गिरफ्तारी के साथ घंटों की बरामदगी की मांग की है। बजरंग दल के जिला संयोजक भूरा पहलवान ने बताया कि संकट मोचन हनुमान मंदिर में चोरों ने जो दुस्साहस किया है वह किसी भी प्रकार बर्दाश्त करने लायक नहीं है। चोरों ने हनुमान मंदिर के पास बने शिव मंदिर में भी पीतल के चढ़े हुए घंटों को चुराया है, जिनका वजन 1 क्विंटल से भी अधिक बताया जा रहा है। साथ में उनकी संख्या 1.5 दर्जन के आसपास है। चोरों द्वारा देर रात्रि को चोरी की उक्त वारदात की है, जिसकी सुबह श्रद्धालुओं को पता लगा है, जिसके बाद उनको सूचना मिली तो पुलिस को बुलाया और मामले की जानकारी दी। सीओ बाड़ी मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि संकट मोचन हनुमान मंदिर में चोरी की घटना के बाद पुलिस ने मौका मुआयना किया है। मंदिर से 17-18 पीतल के घंटे चोरी होना बताया गया है, जिसको लेकर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। 5 बजे 4:30-5 बजे के बीच में हम घूमने आते हैं, मंदिर पे आए तो यहाँ घंटा नहीं मिले हमको। एक तो करीबन 11 किलो वजन है और आधी किलो 1 किलो के करीबन 5 से 6 घंटा और 2 भोलेनाथ के खुले हैं, ऐसे घंटा गया 16-17 किलो वजन गया। घटना ये है कि यहाँ से जो है घंटा चोरी चले गए और हम सुबह आए थे यहाँ, हम तो कोई घंटा हमको नहीं मिला है। अरे यहाँ चार तो बाकी है, हनुमान जी के 5 और 2-3 जाके भोले बाबा के 3, टोटल 16-17 किलो वजन गया है।